तेरे गुण गावा दे बुझावे दे बुझावे तेरे गुण गावा दे बुझावा दे दे तेरे गुण गावा दे बुझाए दे बुझाए तेरे गुण गावा दे बुझा दे बुझा तेरे गुण गावा दे बुझा दे बुझा जैसे सच में रहो रजाई जैसे सच में रहो रजाई जैसे सच में रहो रजाई तेरे गुण गावा दे बुझा दे बुझा तेरे गुण गावा दे बुझा दे बुझा तेरे गुण
कछे कछ देखा मैं अकथ न कथ न जाए, मैं अकथ न कथ न जाए। क्या हो कछे कछे कछ देखा मैं अकथ न कथ न जाए, मैं अकथ न कथ न जाए। जो तुझ पावे सोई आखा तिन तेरी वडियाए, तिन तेरी वडियाए। जो तुझ पावे सोई आखा तिन तेरी वडियाए, तिन तेरी वडियाए। जैसे सच में रहो रजाई, 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 रहो रजाई। तेरे गुण गावा दे बुझाए, तेरे गुण गावा दे बुझाए, दे बुझाए। तेरे गुण गावा दे बुझाए, दे भगत ही नानक जे होएगा ता खसम ना न जाए, ता खसम ना हो न जाए। भगत ही नानक जे होएगा ता खसम ना न जाए, ता खसम ना हो न जाए। जैसे सच में रहो रजाए, 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 रहो रजाए। तेरे गुण गावा दे बुझाए, दे बुझाए। जैसे सच में रहो रजाए, जैसे सच में रहो रजाए, जैसे सच में
रहो रजाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई, दे बुझाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई, दे तेरे गुण गावा देह बुझाए, जैसे सच में रहो रजाए, तेरे गुण गावा देह बुझाए। गुरु नानक पातशाह का ये शब्द तेरे गुण गावा देह बुझाए, ये एक मांग है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, उत्तम मांग, ये गुरुमुख की मांग है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मनमुख पदार्थ मांगता है, गुरुमुख पदार्थ देने वाला मांगता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मनमुख सर झुकाता है तो दुनियावी चीजें मांगता है, गुरुमुख ज्ञानी है वो छाव नहीं वो पेड़ मांगता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस शब्द में मांग है तेरे गुण गावा दे बुझाई, ये वो मांग है जिसे ज्ञान हो गया हो। दो दिन से हम सुन रहे हैं सत्संग, कल रात का दीवान, अमृत वेले का दीवान, जिसे ज्ञान हो जाए कि नाम क्या है, जिसे पता चल जाए नाम क्या है, वो सिवाय नाम के कुछ और मांग ही नहीं सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ और वही मांगता है जिसे अब तक नाम की कीमत का पता नहीं चला। नाम तेरे गुण गावा नाम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हे वाहेगुरु तरस कर मुझ पर, मुझ पर तरस कर, मेरी सुरती में ये ज्ञान डाल दे कि मैं तेरे गुण गाता रहूं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत है। कल भी ये बात चली थी कि ये मन लालची है, ये लालच के पीछे भागता है, मन का स्वभाव है, जहां लाभ दिखाई देता है वो काम किसी भी प्रकार वो कर लेता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब तक ये मन अमृत वेले नहीं उठा, नाम जपने में नहीं लगा, नाम में रस नहीं आया, उसका कारण एक ही है कि इसे अभी तक नाम की महिमा का पता नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम, नाम क्या कर सकता है, भिखारी से राजा बना सकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने प्रमाण है गुरबाणी में, नाम की ताकत को पहचानो। सत्संग का मकसद ही एक होता है, सत्संग की बाबा नरेंद्र सिंह जी वचन करते थे, जब भी सत्संग करके घर जाओ विचार करो मन में, क्या सत्संग सुनने के बाद नाम जपने का मन कर रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या सत्संग सुनने के बाद गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ा, अमृत वेले उठने का मन किया, अगर किया समझ लेना सत्संग करके आए हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। और अगर नाम जपने का चाव पैदा नहीं हुआ समझ लेना सत्संग नहीं कुछ और ही करके आए हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विसर नाही दातार अपना नाम,
नाम देव गुण गावा दिन रात नानक चाओ ये चाओ पैदा हो जाए नानक चाओ ए हो क्या चाओ गुण गावा दिन रात कि मैं तेरे गुण दिन रात गाता रहूं हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु पर ये मन लालची है ये मन तब गुण गाएगा जब इसे ज्ञान हो जाएगा कि नाम है क्या हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक जिस नीच को कोई ना जाने ध्यान देना जिस नीच को कोई ना जाने ऐसा कोई नीच हो जिसे कोई ना जानता नाम जपत अगर वो नाम जप ले चौकुंट माने प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नाम जपत ओ चौकुंट माने सारा संसार उसकी उस्तत करने लगेगा अगर वो नाम जप लेगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक मैं नहीं कह रहा गुरु की वाणी कह रही और प्रमाणित करती है इसे भगत बेनी का जीवन सबने सुन रखा है भगत बेनी की वाणी दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जब हम माथा टेकते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भगत बेनी को भी माथा टेकते हैं पर वो क्या था पहले एक ऐसा इंसान जो आत्महत्या करने जा रहा है कर्जों में डूबा हुआ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक एक ऐसा इंसान जिसे कोई बुलाता नहीं जिसे लोग ठुकरा देते हैं जहां से गुजरता है आत्महत्या करने जा रहा है महापुरुषों का संग हो गया अमृत वेले का ज्ञान हो गया राम नाम की धुन में ऐसा मस्त हुआ कि आज उसकी वाणी दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत ओ चौकुंट माने बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे किसी के मस्तक पे लिखा है कि किसी ने गरीबी में जन्म लेना है गरीबी में मर जाना है कर्म ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि गरीबी में जन्म लेना है झोंपड़पट्टी में जन्म लेना है और झोंपड़पट्टी में ही मर जाना है अगर यहां पर लिखा है कि इस आदमी ने बीमारी से तड़प तड़प कर मरना है कहते थे अगर संभाल ले अमृत वेला संभाल ले नाम गुरु नानक को वो कर्म बदलने पड़ जाते हैं वो भी जन्मों के कर्म मिनटों में काट देता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक 13 सालों की 30 सालों की गरीबी 30 मिनट में काट सकता है मेरा गुरु नानक प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक अगर वो संभाल ले क्या नाम प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक इस नाम की कीमत को पहचानो अपने मन को समझाओ महापुरुषों के वचन साय को पकड़ने दौड़ोगे साया हाथ नहीं आएगा साया आगे बढ़ता जाएगा कोई आदमी अपने साय को पकड़ने की कोशिश करे साया आगे बढ़ता जाएगा कहते थे सूरज की तरफ मुख कर ले साया तेरे पीछे आ जाएगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक सूरज क्या है नाम तू नाम पकड़ ले दुनिया के सारे पदार्थ सारे सुख तेरे पीछे चले आएंगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक तेरे गुण गावा दे बुझाए दे बुझाए तेरे गुण गावा दे बुझाए दे बुझाए जैसे सच में रहो रजाई 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 रहो रजाई तेरे गुण गावा ते बुझाई दे तेरे गुण गावा दे बुझाई दे
प्यार से बोल रहे धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इन पंक्तियों को गौर से सुनिए। पंडित सुछत्रपत राजा भगत बराबर और न को, पंडित सुछत्रपत राजा भगत बराबर और न को। से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंडित, पंडित कहा है ज्ञानी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई अत का ज्ञानवान हो, कोई अत का शूरवीर हो, कोई बड़े से बड़ा राजा हो, पर जो नाम जपने वाला है उसके तिल मात्र भी नहीं है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उसकी कई मिसालें, कई मिसालें ये वाणी कह रही है, गुरु की वाणी। वाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। कोई माने तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। अब डॉक्टर कहे कि दवाई खाओ ठीक हो जाएगा, कोई दवाई खाए ही ना और कहे ठीक नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, जो मानेगा परतख परतख गुरु निस्तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वाणी कह रही है पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और ना कोई। नाम जपने वालों के बराबरी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी ज्ञानवान हो। और एक एक पंक्ति हजारों प्रमाण है इसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है कबीर जी के समय की। एक महाज्ञानी विद्वान हुआ है जिसका नाम, जिसने नाम तो कुछ और था, पर इतने लोगों को उसने हरा दिया अपने ज्ञान से। जहां जाता था सुनता था कि यहाँ पर कोई ज्ञानी महापुरुष रहते हैं, चला जाता था कि मेरे से ज्ञान की विचार करो। सारे वेद कंठस्थ कर लिए उसने, सारा ज्ञान हासिल कर लिया, महाविद्वान। जो चीज एक बार पढ़े एक बार में याद हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना तेज दिमाग उसका, सब जगह जा रहा है, सबको हरा रहा है। और हराने के बाद कहता है अगर या तो मुझसे विचार करो, और अगर हार गए हो तो लिख कर दो कि मैं हारा, सर्वजीत जीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। उसने अपना नाम सर्वजीत रख लिया कि सबको जीत लिया है मैंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महाज्ञानी हर जगह पहुंच जाता है। जब कईयों को हरा लिया, संतुष्ट हो गया कि मैंने सबको हरा लिया, मैं महाज्ञानी हूँ, सर्वजीत नाम है मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। घर में आया, माता को सारे कागज आगे रख दिए कि माता मैं सबको हरा के आ गया। माता ज्ञानवान थे, सूझवान थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत कबीर जी की संगत किया करती थी माता। समझने में देर ना लगी कि मेरे बेटे को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। पर असली ज्ञान है क्या, इसे अभी तक पता ही नहीं। ये वेद शास्त्रों को कंठस्थ करने को ज्ञान समझ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान न गली टूंडी है, कतना करड़ा सार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान वही ज्ञान है, ये जो हम सुनते हैं, ये जो हम जानते हैं, ये जो हम सुन रहे हैं, ये जानकारी है, ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ये स्टेज पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये मेरी नॉलेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जानकारी और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। जिस बात का मुझे पता है कि अमृत वेले उठना चाहिए, ये मुझे पता है, ये मेरी नॉलेज है। पर अगर मैं अमृत वेले उठता हूँ तो ये मेरा ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस चीज पर जो मैं स्टेज पर बोलता हूँ अगर मैं करता नहीं तो ये मेरी केवल जानकारी है, और जो मैं कह रहा हूँ अगर उस पर चलता हूँ तो ये मेरा ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अंतर होता है जानकारी और ज्ञान में। बड़े ध्यान से समझना साथ संगत,
ज्ञान वही ज्ञान है जितने पर हम चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सर्वजीत सब जगह पर लिख कर आ गया, लिखा के ले आया, माता के आगे कागज रख दिए, लिखा हुआ है सब ज्ञान गोष्ठी में हार गए कि सर्वजीत जीता हम हार गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता कहने लगी सर्वजीत बेटा मैं तुझे ज्ञानी तब मानूंगी अगर तू भगत कबीर जी को हरा के दिखा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना, माता ज्ञानी है, विद्वान है, वो जानती है कबीर जी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कह लगी सर्वजीत मैं तुझे महाज्ञानी तब मानूंगी अगर तू कबीर जी से लिखा के ले आ कि कबीर हारा सर्वजीत जीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर्वजीत कहने लगा पर वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है, वो तो विद्वान ही नहीं है, उनसे जाके मैं क्या गोष्ठ करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता कहने लगी नहीं वो बहुत ज्ञानी है, जा उनके साथ ज्ञान विचार कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर्वजीत चला गया, कबीर जी के घर के बाहर खड़ा हो गया, आवाज दी, कबीर जी बाहर आए, कहने लगे मुझे आपसे ज्ञान गोष्ठी करनी है। कबीर जी मुस्कुरा के कहने लगे भाई मुझे तो कोई ज्ञान है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर्वजीत कहने लगा मैंने सारे विद्वानों को हरा दिया, मेरी माता ने कहा है कि आपको हरा कर लिखा कर लाऊं, या तो मुझसे ज्ञान चर्चा करो, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप लिख कर दे दो कि कबीर हारा सर्वजीत जीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत कबीर जी कहने लगे लाओ कागज, पर लिखना तो मुझे आता नहीं, लिख तुम दो अपने हाथों से कि कबीर हारा सर्वजीत जीता, मैं टूटे फूटे अक्षरों में अपने हस्ताक्षर कर दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सर्वजीत ने अपने हाथों से कागज पर लिखा कबीर हारा सर्वजीत जीता। खुशी खुशी कबीर जी से हस्ताक्षर करवा के टूटे फूटे अक्षरों में अपने घर गया, माता को कागज दिखाया, माता देख, माता कागज देखकर मुस्कुराने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे ध्यान से पढ़ क्या लिखा है, मैंने तो पढ़ लिया। जब सर्वजीत ने कागज पढ़ा लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वजीत हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान हुआ सर्वजीत कि मैंने अपने हाथों से लिखा है, ये गलती कैसे हो गई मुझसे। कहने लगा दोबारा जाता हूँ मैं लिखा कर लाता हूँ। दोबारा गया कबीर जी के पास कि लिखने में कुछ भूल हो गई है। कबीर जी कहने लगे भाई लिखा तो तूने है, मैंने तो केवल हस्ताक्षर किया, तू फिर से लिख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर्वजीत ने फिर लिखा कबीर हारा सर्वजीत जीता, कागज से फिर से टूटे फूटे अक्षरों में हस्ताक्षर करवाए, वापस लेकर आया। बड़ी खुशी खुशी माता के आगे कागज रखा, माता फिर से मुस्कुरा पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगी बेटा तू पहले पढ़ तो लिया कर, क्या लिख कर लाया है। जब सरजीत ने दूसरी बार कागज पढ़ा हैरान हो गया कि मैंने अपने हाथों से लिखा है कि कबीर हारा सर्वजीत जीता, पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कबीर जीता सर्वजीत हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कहने लगा माता मैं अपने हाथों से लिख रहा हूँ फिर ये बदल कैसे जाता है। माता कहने लगी यही तो मैं तुझे ज्ञान देना चाहती हूँ, तू सोच कबीर के पास क्या है कि कुदरत सृष्टि उसे हारने नहीं दे रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या था कबीर जी के पास, कबीर जी के समय जो राजा थे, किसी को नाम पता है कबीर जी के समय राजा कौन था, कोई नहीं जानता, पर कबीर जी को सारी दुनिया जानती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। वजह क्या है, नाम। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी में दो लोगों की उस्तत है, एक तो नाम के, दूसरे नाम जपने वालों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसके पास नाम है कुदरत उसे हारने तक नहीं दे सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। जिस दे हो वह वल सो कदे ना हारदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। इस नाम की ताकत को पहचानो, अगर आपके पास अमृत वेला है, बंदगी करते हो सुबह उठ के राम 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 सिमरन में जुड़ जाते हो, वाहेगुरु शब्द में जुड़ जाते हो, जो आपका नाम है आप जुड़ जाते हो, तो कभी कहीं पर भी आपकी पीठ नहीं लगने देगा गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिसे ये ज्ञान हो जाए
फिर वो ये मांग करता है, तेरे गुण गावा देह बुझाई, देह बुझाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, देह बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई, जैसे जैसे सच में रहो रजाई, जैसे सच में रहो रजाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, देह बुझाई, तेरे गुण गावा देह हर से बोलिए धन गुरु नानक। पहलू कितना कमाल का है साथ संगत जी। आज दुनिया बटी पड़ी है जात पात के नाम पर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में सारी जातियों के भक्तों का नाम है, वाणी दर्ज है। गुरु नानक पातशाह ने पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी ने यह नहीं देखा किसी की जात क्या है, जिसने जपा नाम, जिसने की कमाई, दर्ज कर ली वाणी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी भी है, भगत कबीर जी भी है, भगत रविदास जी भी है, जिसने कमाई की उनकी वाणी दर्ज है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर और न कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े बड़े सूरमा नाम के आगे हार गए, बड़े बड़े सूरमा। कबीर जी को मारने की राजा ने कितनी कोशिश की इतिहास सब जानता है। पागल हाथी के आगे डाल दिया शराब पिला करके, कबीर को कुचल दे, हाथी ने माथा टेक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। पहाड़ से फेंक दिया कबीर जी को, पर पहाड़ से ऐसे नीचे गिर रहे हैं जैसे पत्ता गिरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सृष्टि नहीं हारने दे रही कबीर जी को, नाव में बिठाकर संगल बांध कर लोहे के नदी के बीचों बीच ले गए कि कबीर जी को डुबो देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे सारी घटना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में दर्ज है। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। मृगशाला पर बैठे कबीर, सारे सूरमा जो डुबोने गए थे कबीर जी को, जैसे ही धक्का दिया नाव में से ऐसी लहर उठी कि जो डुबोने गए थे वो डूब गए, और कबीर जी की जंजीरें गंगा की लहर से टूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। और उस पाने के ऊपर मृगशाला प्रकट हुई जिस पर कबीर जी ऐसे बैठे हैं जैसे धरती पर बैठे हैं, और ये कोई अतकथनी नहीं, गुरु की वाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नहीं तो आजकल के जो कट्टर विचारक हैं इस बात को मानते ही ना अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ये बात दर्ज ना होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैसे हो सकता है, हमारे तो आजकल सवार हैं ऐसे कैसे, कैसे भगवान ने मंदिर घुमा दिया। अरे सामने है, जाकर दर्शन कर लो, भगत नामदेव जी बैठे हैं, मंदिर घुमा दिया भगवान ने, पीठ करके बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आज सवाल पूछते हैं हम, मंदिर कैसे घूम सकता है। अरे जो मालिक सारी सृष्टि को घुमा रहा है, पृथ्वी को घुमा रहा है, वो एक मंदिर नहीं घुमा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रद्धा खत्म हो गई है हमारी, श्रद्धा खत्म हो गई, और बिना श्रद्धा के प्राप्ति नहीं होती साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के किसी डॉक्टर की दवाई ले लो, दवाई असर नहीं करती क्योंकि डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, और यहाँ पर हमें अपने गुरु पर ही विश्वास नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंक्तियां बार बार श्रवण करो, पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर और न कोई। नाम जपने वालों की तुलना उनसे हो ही नहीं सकती, चाहे बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, बड़े से बड़ा सूरवीर हो, बड़े से बड़ा राजा हो।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। को हर समान नहीं राजा, ए पूपत सब दिवस चार के चूठे करत दिवाजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो दुनियावी राजे हैं, चार दिनों का राज होता है, आज है कल चला जाएगा, पर जिन्होंने जपा है नाम, रहती सृष्टि तक उनका नाम अमर हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे गुण गावा दे बुझा, दे बुझा, तेरे गुण गावा दे बुझा, दे बुझा, जैसे सच में रहो रजाई, जैसे सच रहूं रजाई, जैसे सच में रहूं रजाई, जैसे सच में रहूं रजाई, रहूं रजाई, तेरे गुण गावा दे बुझा, दे बुझा, तेरे गुण गावा दे बुझा, दे बुझा। प्यारी घटना है, नाम की वढ़ियाई क्या है, इस घटना से मन मान जाता, हिल जाता है एक बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी गंगा के किनारे बैठे हैं और राम नाम में लिव जुड़ी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुरत जुड़ी हुई है नाम में, भगत नामदेव जी। सुरत जुड़ी हुई है भगत नामदेव जी के राम नाम में। उस जमाने की बात है जब किसी का पति मर जाता था तो स्त्रियों को साथ में सती होना पड़ता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन। और जब वो सती होने जाती थी तो पूरे 16 श्रृंगार होकर के, जैसे नवी नहेली दुल्हन होती है, इस प्रकार पूरे तैयार होकर वो जलने के लिए साथ में चल के जाती थी। इस प्रकार की वो प्रथा थी उस जमाने में। भगत नामदेव जी लीन है राम नाम के सिमरन में। वहां पर से एक अर्थी गुजरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक जवान आदमी की अर्थी गुजरी वहां से, 25-26 साल का नौजवान। उसकी घर वाली सती होने साथ में जा रही है। देखा दूर भगत नामदेव जी सिमरन में लीन है, मन में आया मरने जा रही हूं, जिंदा जलना है मुझे, क्यों ना जाते जाते भगत नामदेव जी के दर्शन करके उनके माथा टेक कर उनसे आशीर्वाद ले लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चली गई वहां पर अर्थी रुकवा के, खुद चली गई भगत नामदेव जी के पास।
भगत नामदेव जी राम नाम के सिमरन में लीन है। अब इसने माथा टेका और कहने लगे, हे नामदेव जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस स्त्री ने कहा जो सती होने जा रही है, नामदेव जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। नामदेव जी ने थोड़ी सी आंखें खोली क्योंकि सुरती लीन थी राम नाम में, थोड़ी सी आंखें खोली और ये वचन कर दिए। देखने में लगा कि सुहागन है क्योंकि पूरे तैयार होकर जा रही थी सोलह श्रृंगार करके। भगत नामदेव जी के मुख से निकल गया, सदा सुहागन रहो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। बड़ा ध्यान से विचार करना, इस घटना इतिहास में अंकित है, एक एक पहलू विचार करने वाला है। भगत नामदेव जी के मुख से निकल गया कि सुहागन का ड्रेस पहनी हुई है उसने, कि तो इसका पति भी होगा। तो उनके मुख से निकल गया कि सदा सुहागन रहो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो खुश हो गई कि भक्तों के मुख से निकल गया है सुहागन रहो, अब मेरे पति को जीवित होना होगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि भगत नामदेव जी जैसा कोई भगत नहीं, और इनका कहा झूठा हो नहीं सकता। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विचार करके देखिए, हम माथा टेके, हमें कोई कह दे कोई महापुरुष, हमें तो फिर भी यकीन नहीं आएगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसने यकीन किया, उस स्त्री ने यकीन किया, भरोसा था उसमें, सिद्धक था, भगत नामदेव जी को पहचानती थी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगी, मैं तो सती होने जा रही थी भगत नामदेव जी, हे नामदेव जी मैं तो सती होने जा रही थी, अब आपने आशीर्वाद दे दिया है सुहागन रहने का, अब मेरे पति को जीवित करो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी हैरान हो गए कि ये मेरे मुख से क्या निकल गया। देखा आरती खड़ी है वहां पर, अब मेरे मुख से निकल गया। अब गंभीर हो गए, विचार में पड़ गए। आवाज आई भगत नामदेव जी के कानों में, प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। आवाज किसकी? उस राम की, जिसकी लिव में जुड़े हुए थे निरंकार की, के नामदेव इस नाम की महिमा को, इसका कोई बेड़ा कोई अंत नहीं है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस नाम की महिमा का कोई अंत नहीं है, नाम जपते जपते तेरे मुख से निकला है ये, और अगर अब पूरा ना हुआ तो लोगों का नाम पर से विश्वास उठ जाएगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगवान को अपने नाम की लाज रखनी पड़ी। वो भगत नामदेव जी से कह रहे हैं, जाकर उस मुर्दे के कान में कह दे राम। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो जीवित हो जाएगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस नाम की महिमा को पहचानो। भगत नामदेव जी उठकर गए, उस अर्थी के कान में कहा राम, वो जीवित होकर बैठ गया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कल भी ये बात चली थी, वो पीर बाबा चरण धूड़ी दे रहे हैं और हम लोग ही लाइन लगा के वहां पर ले रहे हैं, हमें अपने गुरु की वाणी पे विश्वास ही नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम जपने वालों की चरण धूड़ी में अगर इतनी ताकत है तो नाम में कितनी ताकत है, ये विचार करो। क्यों भटकते हो यहां वहां, क्यों रोते हो अपने कर्मों पर? उठो, जपो नाम। जहां नाम है वहां क्या नहीं है, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, जहां नाम है वहां कौन सी चीज नहीं है, और जहां नाम नहीं वहां पर कौन सा दुख नहीं है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन बना लो कि आज के बाद इस जीवन में जितनी रातें आएंगी वो सोकर नहीं, नाम जपते हुए गुजरेंगे। अगर नहीं जपा जाता पूरी रात तो कम से कम गुरु अमरदास जी के वो वचन मान लो, चार घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो, कम से कम नाम की कीमत को पहचानो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन। जिसके पास नाम है गुरु उसकी पीठ नहीं लगने देगा, कहीं हारेगा नहीं कहीं भी वो। जिसके पास नाम है बड़े से बड़ा सूरमा आगे आ जाए जीत नहीं सकता, जिसके पास नाम है बड़े से बड़ा राजा आ जाए
उसके बराबर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेठ ने कह दिया था ना भगत नामदेव जी को ही कि मैं गरीबों में सोना बांटना चाहता हूँ, पर शुरुआत आपसे करूंगा, अगर आप नहीं आए तो मैं गरीबों को भी सोना नहीं बांटूंगा। मन में भावना थी कि मैंने भगत दिखाना है लोगों को कि नामदेव जी भी मेरे पास सोना दान लेने आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नामदेव जी को नीचे दिखाने की इच्छा थी उस सेठ की। नामदेव जी सारी बात जानते हैं मन की, पर चले गए कि मेरी वजह से गरीब भी रह जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लाइन में नामदेव जी खड़े हैं, सारी दुनिया हैरान है, भाई देखो नामदेव जी को सोने के पीछे आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। और सेठ यही चाहता था दुनिया को दिखाना कि मैं बड़ा हूं, नामदेव जी नहीं। तो जब सेठ कहने लगा शुरुआत आपसे ही करनी है, कितना सोना दूं, ढेर लगा के बैठा था, नामदेव जी कहने लगे भाई जितना देना है दे दे। कहने लगे नहीं आप बताओ कितना चाहिए। नामदेव जी कहने लगे भाई जितनी तेरी श्रद्धा है, जितना सबको देना है मुझे भी दे दे। कहने लगा नहीं आप बताओ कितना चाहिए। तो नामदेव जी ने अपनी जेब में से पत्ता निकाला था तुलसी का, कहने लगे ये रख दिया पत्ता, इसके बराबर दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेठ का सारा सोना तोल लिया, वो पत्ते का पड़ रहा भारी। सेठ हैरान हो गया सारी दुनिया के सामने, वो चाहता था नामदेव जी को नीचे दिखाना, नीचा कौन दिखा, वो सेठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। सारा सोना एक पलड़े पे रख दिया, पर वो पत्ता का पड़ रहा भारी। और जब पत्ते पर पड़ा तो नामदेव जी कहने लगे पढ़ पत्ते पे क्या लिखा है। लिखा था केवल रा, राम भी नहीं। कहने लगे केवल आधा नाम लिखा है मैंने, रा, राम भी नहीं लिखा। सारे सृष्टि का सोना भी डाल देगा इसमें तो ये पलड़ा भारी ही रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यह है नाम की ताकत, नाम की ताकत को पहचानो। भगवान राम से पूछा था कि आप सृष्टि के मालिक हो, आप अगर कहते समुद्र रास्ता दे दे, समुद्र रास्ता दे देता, ये पुल बनाने की क्या जरूरत थी पत्थर पर राम लिखकर। आप चाहते हैं तो समुद्र खाली हो जाता, समुद्र दो पानी रुक जाता, रास्ता मिल जाता, पत्थरों पर राम क्यों लिखा है। तो राम जी ने कितना प्यारा जवाब दिया उस वक्त, कहने लगे मैं कहता कि पानी रुक जाओ और मैं चला जाता, सारे लोग भी साथ में आ जाते, सारी सेना भी, हो सकता था, पर लोग फिर इस शरीर से जुड़ जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। मुझे महिमा बतानी थी राम के नाम की, कि अगर पत्थर पर भी राम लिखा वो तर गया, जो जपेगा राम वो क्यों नहीं तरेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों, ये शरीर चला जाएगा, ये नाम रह जाएगा। राम जी ने कितनों को तारा आप गिन सकते हो, ध्यान देना साथ संगत, राम जी ने कितनों को तारा आप गिन सकते हो, पर राम के नाम ने कितनों को तारा, कितनों को तार रहा है और कितनों को तारेगा, ये नहीं गिना जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। इसलिए कवि ने बड़े प्यारे बोल लिखे हैं, तारे गिने जाते हैं ना तारे गिने जाते हैं, ध्यान से सुनना, तारे गिने जाते हैं ना तारे गिने जाते हैं। और दो पंक्तियां पढ़ेंगे, तेरे गुण गावां तेरे बुझाई दे बुझाई, तेरे गुण गावां दे बुझाई दे बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई, जैसे सच जाई रहूं रजाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई दे बुझाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई दे बुझाई। Thank you.
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। राम ने कितनों को तारा, श्री राम जी ने कितनों को तारा यह गिना जा सकता है, पर उनके नाम ने कितनों को तारा ये नहीं गिना जा सकता। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। पाशाह जहाँ जहाँ गए किसको तारा, भूमिया चोर सज्जन ठग गिने जा सकते हैं, पर गुरु नानक का नाम कितनों को तार रहा है, कितनों को तारेगा ये नहीं गिना जा सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक धन। ये नाम की वडियाई है, नाम की वडियाई, नाम की वडियाई कितनी कहे साथी, जितनी कहे कम है। सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां, बिना नाम के सब कूड़ है। जपोता एको नामा अवर निराफन कामा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। एक भगत जलन जी हुए हैं, बड़ा प्यारा जीवन है उनका, बड़ा प्यारा घटना, बड़ी लंबी है, दास थोड़ी शॉर्ट में बताता है उनका जीवन। इतनी कमाई बढ़ गई थी उनकी कि उनके घर के बाहर लाइनें लगी रहती थी संतों की दर्शन करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। दो भगत होते हैं वो एकांत ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें नाम का रस लेना हो, इसलिए तो बुल्ले शाह ने कहा चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु। वहां चले ना कोई हमें जाने ना कोई हमें पहचाने ना कोई हमें माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। भगत जलन जी ने भी यही किया, अपना शहर ही छोड़ दिया। कहाँ चले गए, जहाँ पर इमारतें बनती हैं वहां पर मजदूर का काम कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। सारी दुनिया जिनके दर्शनों के लिए तरसती है वो सब दुनिया को छोड़ के वहां चले गए, मजदूर का काम करने लगे कि एकांत मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। अब मजदूरी का काम कर लिया, शाम को जब दिहाड़ी मिलने का समय होता है लोग लाइन लगा लेते हैं कि पहले मुझे दे दो पहले मुझे दे दो, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लेबर है। भगत जलन जी साइड में आराम से बैठ जाते हैं। जब सबका हो जाता है तो वो मुनीम, जो मुनीम है सबको पैसे देता है, उसकी वृत्ति बड़ी खराब है। इतिहास में लिखा है कि वो गरीबों को पैसे भी मार लेता है, सारे गलत काम करता है, हक मार लेता है कईयों का, सबको तू तू कह के बुलाता है। पर ये देखता है मुनीम कि ये भगत जलन जी साइड में बैठे रहते हैं चुपचाप शांति में नाम सिमरन करते रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं कोई विवाद नहीं। जब सब ले जाते हैं आखिर में मुनीम जी उसे आवाज़ देते हैं, पर इस बार जब मुनीम उसे बुलाता है भगत जलन जी को उन्हें बुलाते हैं तो श्रद्धा से कि भगत जी आइए अपनी दिहाड़ी ले लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनना नाम की महिमा क्या है, नाम करता क्या है। भगत जलन जी जो अंतर्जामी है अंदर की बातें जानते हैं, देखते हैं कि इस मुनीम का जीवन बड़ा ही खराब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। कई लोगों का हक मारता है, गरीबों का खून चूसता है, जो बेचारे मजदूर दिहाड़ी कमाते हैं उनमें से भी रख लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु। पर भक्तों को कभी किसी से नफरत नहीं होती, तरस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। वो उससे दिहाड़ी ले लेते हैं, रोज का सिलसिला। मुनीम आवाज देता है आखिर में भगत जी, सबको तू कह के बुलाता है पर इन्हें भगत जी कह के बुलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। एक रात भगत जलन जी अमृत वेले का समय है, समाधि में लीन है, क्या देखते हैं, आवाज सुनाई दी उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। क्या देखती है वो जो मुनीम जो सबको रोज दिहाड़ी बांटता है शाम को, उसकी मृत्यु हो गई है और जमदूत घसीटते हुए उसे पीटते हुए लेकर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। भगत जलन जी ने आवाज दी जमदूतों को, जरा रुको भगत, ये भगत होते क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जमदूत रुक गए क्योंकि जमदूतों को देखने वाली आंख जिसके पास है, जमदूत भी समझ गए ये कोई साधारण आदमी नहीं है जो हमें आवाज दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। रुक गए, भगत जलन जी के पास आए, कहने लगे सुनो मेरी बात, इस मुनीम को लेके जा रहे हो पीटते हुए,
जमदूत कहने लगे इसने सारा जीवन सारे बुरे काम किए, पाप ही कमाए हैं, गरीबों का खून भी चूसा है, हमें धर्मराज का हुक्म है इसे पीटते हुए लेके आओ, इसे नरकों में डालना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत जलन जी कहने लगे सब ठीक है, मैं किसी बात से नहीं रोकता, तो बड़ी ध्यान से सुनना, ये मुझे बड़े आदर से बुलाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मुझे बड़े आदर से बुलाता था भगत जी करके, और वाणी कहती है जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरबाणी के लफ्ज है, कोई भक्तों को नाम जपने वालों को केवल आदर से बुलाए, आदर से सत्कार से जमदूत हाथ नहीं लगा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत जलन जी कहने लगे भाई हमें बड़े रिस्पेक्ट से बुलाता था भगत जी करके, धर्मराज से कह देना कि हमने कहा है कि इसके लेखे पड़े नहीं पार दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके लेखे पढ़ना नहीं पार देना, क्योंकि ये हमें आदर से बुलाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक भगत नाम जपने वाले की ताकत देखिए, इतने गुनाहगार को भी बख्शवा दिया कैसे, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जपो नाम जब समा मिले जपो नाम, अमृत वेले तो जरूर जपो, कालिदास ने कहा था दिन में अपने लिए समय निकालो, जैसे हो सके समय निकालो, 15 मिनट 20 मिनट, हर थोड़े थोड़े समय में जब समय मिले, ये व्हाट्सएप ये फेसबुक इन चीजों से बचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरानी की बात है, माणी कहती है बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माई। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि अकेले आया अकेले जाना, अकेले बैठ के सोच, हमारे पास समय कहाँ है अकेले बैठने का, इस मोबाइल ने हमारा सारा पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हुआ करते थे, अब पता नहीं कितने बढ़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर ये यही नहीं जान छोड़ते, अगर अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो ये स्मार्ट मोबाइल मत रखो, माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो कीपैड वाला ले लो, नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा इस डब्बे की वजह से। साथ संगत जी ये छोटी सी चीज है पर इसने सबका बेड़ा गर्क करके रखा है, अगर माइंड पे कंट्रोल नहीं है इसको, देखिए गिलास में चाहे दूध पीना है कि शराब पीनी है आपके हाथ में, इस मोबाइल के फायदे भी बहुत हैं, अगर इसमें गुरबाणी पढ़नी है नाम से जुड़ना है तो हजारों फायदे, पर अगर कुछ और करना है शराब पीनी है इसमें तो फिर तो नुकसान ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डॉक्टर जब दवाई देता है तो कहता है दवाई के साथ परहेज बताता है कि ये परहेज जरूर करना, अगर परहेज ना किए तो दवाई पूरा असर नहीं करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर नाम जपते हुए अमृत वेले उठते हुए निंदा चुगली से नहीं बचे तो ये दवाई असर नहीं करेगी, और ये है क्या व्हाट्सएप फेसबुक निंदा चुगली के भंडार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी कुछ लिख के डाल देता है बाकी सब उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते, सच क्या है किसी को नहीं पता, हाँ में हाँ मिला देते, और जब हाँ में हाँ मिलाते हैं हमारे भी वो कर्म बनते हैं, इस बात को समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस व्हाट्सएप का फायदा उठाओ, गुरबाणी भेजो एक दूसरे को, नाम बंदगी भेजो, निंदा चुगली मत भेजो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अजय राजा की साखी याद कर लिया करो, अजय से रोवे पिकिया खाए, ऐसी दरगाह मिले सजाए। बड़ी लंबी घटना है वो अभी समय नहीं है सुनाने का मेरे पास। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 100 बात की 1 बात, नाम जपो निंदा चुगली से बचो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि कमरे में अंधेरा हो, कोई मूर्ख बाल्टियां भर भर के अंधेरा बाहर फेंकता रहे, कमरे में से अंधेरा खाली नहीं होगा। हम अगर लोगों से कहेंगे शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, नहीं छूटेगा कहने से, कमरे में से अंधेरा कैसे जाएगा, एक दीपक जला दो। ये बुराइयां कैसे हमें छोड़ेंगी, एक नाम का दीपक भीतर जला लो। अमृत वेले उठोगे नाम जपोगे, नाम का दीपक भीतर जिस दिन जल गया इन बुराइयों को वहां जगह ही नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम को पकड़ लो, एक नाम पकड़ लो, बाकी सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। गुरु नानक पाशाह ने भूमिया चोर से ये नहीं कहा कि चोरी छोड़ दे,
कह लगे सच पकड़ ले, सच पकड़ा दिया के झूठ मत बोलना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चोरी छूट गई। किसी बच्चे के हाथ में कोई खिलौना हो, आप उससे लेना चाहो, वो नहीं देगा। छुड़ाने का तरीका क्या है? दूसरा खिलौना पकड़ा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम पकड़ लो, सारी बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी। बुराइयां छोड़ने जाओगे नहीं छूटेंगी, नाम पकड़ोगे बुराइयां छूट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़े, फिर समाप्ति है कविता पढ़ के। तेरे गुण गावा दे बुझा, दे बुझा सारी संगत। तेरे गुण गा दे बुझा सारी संगत, बोलो तेरे गुण गा। जैसे सच में रहो रजाई, जैसे सच रहो रजाई, तेरे गुण गावा दे जोड़कर संगत के चरणों में बेनती है। आज आप लोगों ने कल रात को हाथ खड़े किए, गुरु नानक ने अमृत वेले बुलाया आपको, बुलाया कि नहीं? एक दिन हाथ खड़े किए आपने, गुरु नानक ने बांह पकड़ ली। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि रात को सोते समय जब कीर्तन सोहेले का पाठ हो जाए, कहते थे तकिए की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, एक जपजी साहब जी का पाठ करो और गुरु नानक के आगे बेनती करो। पाचा मुझसे नहीं उठा जाता, मैं आलसी हूँ, तरस कर अमृत वेले तू बाँह पकड़ करके उठा दे। कहते थे हो नहीं सकता कि गुरु नानक बाँह पकड़ कर ना उठाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यह जुगती है, नहीं उठा जाता अमृत वेले तो रात को गुरु को भेटा देकर अरदास करके सो कि पाचा तू उठा। और ये अनमोल दात है, इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, इसे अमृत वेला भी कहा जाता है। मुसलमानों में पहली अजान अमृत वेले होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सृष्टि में किसी धर्म का कोई महापुरुष नहीं अगर अमृत वेले उठ के जो नाम ना जपता हो, उनकी वाइब्रेशन हमें भी सपोर्ट करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप में से कोई कभी वहां गया है जहां पर बिजली पैदा होती है? कभी गया है कोई वहां पर डैम के पास जहाँ पर बिजली पैदा होती है? वहाँ पर आप 100 फुट की दूरी पर भी एक बल्ब या ट्यूब लेकर खड़े हो जाओगे ना, बिना वायर के वो जल उठती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिना वायर के
इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है उस फील्ड में, ट्यूबलाइट बिना वायर के जल जाती, हाथ में पकड़े करंट नहीं लगता पर ट्यूबलाइट जल जाती है। महापुरुष इसका उदाहरण दिया करते थे, कहते थे अमृत वेले मन जिसका कहीं भी नहीं जुड़ा वो जब सिमरन में बैठता है उसका मन भी जुड़ने लग जाता है, क्योंकि जितने महापुरुष हैं इस वक्त वो सब बंदगी में जुड़े होते हैं, उनकी वाइब्रेशन हमें भी सपोर्ट करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी ने पूछा भाई अमृत वेला ही क्यों बताते हो, क्या खास बातें हैं? तो महापुरुषों ने समझाया, जब कोई किसी को गाड़ी सिखाते हैं तो गाड़ी सिखाने वाला खाली रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि नया नया ड्राइवर है, खाली रास्ता चाहिए नहीं तो गाड़ी ठोक देगा। खाली रास्ते पर ले जाते हैं वहाँ पर सिखाते हैं क्योंकि ट्रैफिक नहीं है उस वक्त, पर वही ड्राइवर जब सीख जाता है तो भीड़ बड़ी सड़कों में से भी गाड़ी दौड़ा कर ले जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यह अमृत वेले की बढ़ियाई है। अमृत वेले विचारों का ट्रैफिक ना के बराबर होता है। आप किसी के पास काम के लिए जा नहीं सकते, सारी दुनिया सोई होती है, आपके पास कोई आ नहीं सकता, ना किसी का फोन जाएगा ना किसी का फोन आएगा। विचारों का ट्रैफिक ना के बराबर होता है, उस वक्त सिमरन की गाड़ी को दौड़ाना बड़ा आसान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो रोज अमृत वेले सिमरन का अभ्यास करते हैं, जो रोज उठकर अमृत वेले सिमरन का अभ्यास करते हैं, एक दिन ऐसा आता है चाहे वो खा रहे हों, चाहे पी रहे हों, चाहे ग्राहकों की भीड़ में खड़े हों दुकान पर, सिमरन की गाड़ी वहां पर चलती रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत सारी फरमाइशें हैं संगत की, बहुत कुछ बोल रहे हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कोशिश करते हैं जितना हो सके गुरु नानक मेहर करें। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात बीच में रह गई, सारी संगत से बेनती है, देखिए तीन दीवान हो गए, नाम की महिमा, नाम की महिमा, नाम की महिमा। एक दिन हाथ खड़े किए, गुरु नानक ने बाँह पकड़ ली, फिर से हाथ जोड़कर बेनती है, सारी संगत गुरु की हजूरी में हाथ खड़े करके प्रण करो कि हम रोज अमृत वेले उठने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश कह रहे दास, सारी संगत जकारा बुलाइए। बोले सोनिहार, यहाँ पर अमृत वेला होता है, वो एड्रेस आप बता देना अनाउंस करके जो यहाँ के हैं। सारी संगत के चरणों में विनती, अमृत वाला यहाँ पर रोज होता है, वहां पर